हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल होप एजुकेशंस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस स्पेशल स्कॉलरशिप के बारे में जिसका स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ही बेसब्री से इंतजार था। और मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स करके स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये स्कॉलरशिप के फॉर्म कब से शुरू हो गए, इस साल ये फॉर्म शुरू हो गए भी या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो उम्मीद लगाना भी छोड़ दिए थे कि ये स्कॉलरशिप इस साल शुरू भी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से दी जाने वाली बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि 2003 से लगातार हर साल दी जा रही है। लेकिन इस साल कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसकी शुरुआत में काफी देरी हुई और आखिर 1 अक्टूबर 2020 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ये स्कॉलरशिप स्पेशली लड़कियों के लिए है, वो भी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी कम्युनिटी की वो लड़कियां जो 9th, 10th, 11th या 12th क्लास में पढ़ रही हो और जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख रुपए से कम हो, ऐसी लड़कियां इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। इसमें 9th और 10th क्लास में पढ़ रही लड़कियों को 5,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है, तो वहीं 11th और 12th क्लास में पढ़ रही लड़कियों को 6,000 रुपए स्कॉलरशिप हर साल दी जाती है। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए सिर्फ इतनी ही शर्त है कि जो लड़कियां इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहती है उसे पिछले एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स लाना जरूरी है। फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पिछले साल का रिजल्ट, बैंक पासबुक की कॉपी, इनकम सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा सबसे अहम और जरूरी डॉक्यूमेंट होता है स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म, जिसमें स्कूल या कॉलेज का सील, स्टैम्प और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी हेडमास्टर या प्रिंसिपल की सिग्नेचर होती है, उसे लगाना जरूरी होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म भरते वक्त स्कैन करके अपलोड करना होता है। इस साल यानी 2020 के लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 31 अक्टूबर फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख है, जबकि 15 नवंबर तक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है फॉर्म फिल करने का। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन और वीडियो के आखिर में दे रखा है। आप इस वीडियो को देखकर आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। आपका कीमती वक्त देकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।